अदम में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ वार्ड पार्षदों और प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया नगर पंचायत में सीएमओ के पास अतिरिक्त प्रभार है, जो कि कभी कभी माह में एक दो बार आती है, जिसका आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार सीएमओ को फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे नगर वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर में सड़क सफाई और जनहित से जुड़ी अन्य बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सिलवानी नगर में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। यदि जमींदार को बोलते हैं तो वो कहता है अध्यक्ष से बात करो। वहीं वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा वार्डो में मुरम बजरी डाली गई है, जितनी डाली गई है उससे ज्यादा की फर्जी बिल वाउचर लगाकर राशि आहरण की जा रही है, इसकी जांच की जाए। एवं सिलवानी नगर में मच्छर मार दवाई का उपयोग नहीं किया जा रहा है और फर्जी बिल वाउचर लगा के राशि आहरण की जा रही है, इसकी भी जांच कराई जाए। पार्षद व प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द एक स्थायी सीएमओ की नियुक्ति की जाए, ताकि नगर पंचायत की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। आज सिलवानी में माननीय अनुविभागीय अधिकारी को सिलवानी की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से एक तो यहां स्थायी सीएमओ नहीं है, अस्थायी सीएमओ है जो महीने में एक या दो बार आती है, जिससे पूरा काम नगर का प्रभावित हो रहा है। तमाम शहर में गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं हो रही, मलेरिया जम के फैला है पूरे शहर में, कहीं दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा। पिछले एक वर्ष पूर्व जो सिलवानी में जमींदार का जो ट्रांसफर हुआ था वो आज तक उसको रिलीव नहीं किया गया है। और भी जो अन्य समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद पड़ी हैं, सामने अभी दशहरा और दीपावली आने वाला है, शहर में गंदगी का साम्राज्य है, अधिकारी नहीं होने की वजह से ये सब काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमने विशेष रूप से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अनुभाग अधिकारी के माध्यम से दिया है कि सिलवानी नगर की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। नहीं होता है तो क्या करना? नहीं होता है तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, नहीं क्यों नहीं होगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अगर अपनी आवाज यहाँ उठा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम भोपाल में भी उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे, नहीं उठेगी तो, लेकिन हम समस्या का निराकरण करवा के रहेंगे। सिलवानी के पार्षदगण मेरे पास आए थे विज्ञापन लेके, और उन लोगों को ये कहना है जो नगर पंचायत से रिलेटेड व्यवस्थाएं, नगर परिषद की व्यवस्थाएं वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, साफ सफाई भी ठीक ठाक नहीं हो रही है। सीएमओ चूंकि प्रभारी है इसलिए फुल टाइम सीएमओ की व्यवस्था की जाए, और जो कर्मचारी ट्रांसफर हो गए उनको बाहर रख दिया जाए, नए जो कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ हैं आए अभी तो उनको यथा योग्य काम सौंपा जाए, ताकि व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो सके।